वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में समझा था, और हमने समझा था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली दो तरीके की होती है, दो टाइप्स की होती है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड टॉपिक को हमने समझ लिया था, जिसको हम एपीसी भी बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमने इनकम का कितना कंजम्पशन पर एक्सपेंड कर दिया, और ये हमारा होता है एपीसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आपको समझ में आ गया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूले पर आएंगे और चीजों को फिर अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। देखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आज का टॉपिक आपका ये रहने वाला है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट हम बोलेंगे एमपीसी। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, और डिफरेंस भी समझेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस वजह से एक दूसरे से अलग है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं हम इनकम की। तो मान लीजिए इनकम हमारे पास में 1000 करोड़ है, कंजम्पशन इसमें से 800 करोड़ का हो गया, जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या होगी, वो आपकी सेविंग होगी। ठीक है, मैं सब चीज को लेकर चल रहा हूं अभी, क्लियर है। तो रेस्ट ऑफ पार्ट सेविंग आपकी कितनी होगी, 200 करोड़ है। लेकिन हमेशा आपके इनकम सेम नहीं रहती है, मतलब कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम हमेशा सेम नहीं रहती है। तो नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, वो चेंज होता रहता है, वो मतलब कि वो बढ़ भी सकता है। तो जैसे कि यहां पर फिर नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, नेशनल इनकम मैं यहां पर कर देता हूं 1500 करोड़। अब 1500 करोड़ नेशनल इनकम हो गया, तो आपको पता कि नेशनल इनकम कितना ऐड हुआ है, कितना चेंज आया नेशनल इनकम में, तो 500 करोड़ का। अब वो सारा का सारा 500 करोड़ ऐसा तो होगा नहीं कि कंजम्पशन पर खर्च हो जाएगा और कंजम्पशन अब आपका 1300 करोड़ होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कंजम्पशन बढ़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जितनी इनकम बढ़ी वो सारा का सारा कंजम्पशन में शिफ्ट हो जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा, उसमें से कुछ आपका सेविंग में भी चला जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो इसलिए यहां पर मैं 500 बढ़ा तो 500 में से 300 डाल देते हैं, इसमें 1100 आप कंजम्पशन हो गया और आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, तो सेविंग आपकी कितनी हो गई, या फिर आप 200 डाल दीजिए तो 1000 आपका क्या हुआ, 1000 आपका कंजम्पशन हो रहा है, और आपके पास में 300 डालेंगे तो 500 क्या हो रहा है, आपकी 500 सेविंग हो रही है। तो एक बात तो आप समझ जाइए कि जितनी इनकम बढ़ती है, 500 बढ़ा तो 500 में से सारा का सारा नहीं तो सेविंग पे जाएगा और सारा का सारा नहीं तो कंजम्पशन पे जाएगा। 500 में से कुछ पोर्शन, वो कुछ भी हो सकता है, वो कंजम्पशन पे जा रहा है और कुछ पोर्शन आपके सेविंग पे जा रहा है, क्लियर है। अगर मैं यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट 1000 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर कैलकुलेट करूं मैं एपीसी, तो यहां पर डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस पे क्या आएगा एपीसी। अगर मैं 1000 पे कैलकुलेट करूं तो मेरा कंजम्पशन मेरे इनकम के रिस्पेक्ट में कितना है, मेरा कंजम्पशन मेरे इनकम के रिस्पेक्ट में क्या है, ये हो गया। और अब नई इनकम पर मेरे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको 80% बोलेंगे, 80% मतलब जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें से हम 80% क्या कर लेते हैं, कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं। इस लेवल पर अगर मैं एपीसी निकालूं कि मेरे नए नेशनल इनकम पर एपीसी क्या है, इस समय हम क्या कर रहे हैं, 1000 कंजम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ 1500, तो सॉल्व करेंगे तो 2/3 और सॉल्व करेंगे हम तो यहां पर मेरे पास में 0.66 आ रहा है। तो अब मेरे पास में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये है। देखिए मेरा टॉपिक आज का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर नहीं है, मेरा आज का टॉपिक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है, कि मेरी इनकम में जो चेंज आया, जितना भी चेंज आया,
मेरे इनकम में जो चेंज आया, जितना भी चेंज आया, उस चेंज का कितना कंजम्पशन पे शिफ्ट हो गया? मेरे इनकम में जो चेंज आया है, उस चेंज का, मेरे इनकम को छोड़ दो इस समय क्या है, मेरे इनकम को छोड़ दो पहले क्या था, जो इनकम में चेंज आया इसका कितना पोर्शन, इसका कितना परसेंटेज, इसका कितना टाइम्स मेरे कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बताता हूं आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या होगा, मेरे इनकम में चेंज कितना है? तो सबसे पहले मैं अपने इनकम में चेंज कैसे देखूंगा, मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई बात नहीं, पहले से देख लीजिए। चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चेंज बोलते हैं। या तो आप लिख दो चेंज, पर इतना सब कुछ लिखना ना पड़े, डायरेक्ट आप इसको रिप्रेजेंट कर दो डेल्टा से। तो चेंज इन इनकम कितना है आपका 500, और चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना आएगा, क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख रहे हैं ना। तो चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना चेंज आया, 200। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि मेरे जो 200 जो चेंज आया है वो 500 में से आया है। तो चेंज इन इनकम का कितना टाइम्स, 0.4, मतलब कि अप्रोक्सीमेट जो मेरे इनकम में चेंज आया उसका 40%, उसका 40% मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कंजम्पशन पे ट्रांसफर कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या लिखेंगे आप इसके बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेरे इनकम में चेंज का। तो यहां पर मार्जिनल में हम चेंज को कंपेयर करते हैं, और एवरेज के अंदर हम सीधा सीधा उठा लेते हैं, भैया मेरे कंजम्पशन क्या है, मेरे इनकम क्या है, चेंज के ऊपर बात नहीं होती है। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, ये मेरा हो गया एमपीसी। मेरी बात समझे? तो एमपीसी का मतलब समझ में आपको आया क्या है, मैं आपसे बोलूँ एमपीसी 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम में जितना चेंज आया उसका 20% कंजम्पशन पे चला गया। एमपीसी 30% है, क्या मतलब है, इनकम में जितना चेंज आया उसका 30% कंजम्पशन पे चला गया। तो यहीं पर आइए देखते हैं क्या कहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन द टोटल इनकम। ये जैसे कि आपको सामने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी एंड चेंज इन इनकम, ये डेल्टा वाई होगा, ठीक है, वाई होगा डेल्टा। अब यहां पर अगर हम निकालें कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400 कंजम्पशन भी है, तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पर कितना कंजम्पशन में चेंज आया आप बता नहीं सकते हो, तो इसलिए ये डैश डैश छोड़ दिया है। इनकम में कितना चेंज आया आप ये भी नहीं बता सकते, डैश छोड़ दिया है। ये वाई होगा, ये एक्स गलती से एक बार हुआ तो सब में चलेगा, वो टाइपिंग में गलती हुई है, ठीक है जी, क्लियर है, तो सब में चला आपका। अब इसके बाद अगर आप निकालोगे अगले लेवल पे, तो आपके पास में कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 80 का चेंज आया ना, देखिए कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 80 का चेंज आया, और आपका इनकम में कितना चेंज आया, 100 का चेंज आया। तो 80/100 कर दोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा आपका एमपीसी आ जाएगा। सिमिलर यहां पर मेरा इनकम में कितना चेंज आया, 100, और मेरा कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 80, तो 80/100, तो ये मेरा एमपीसी क्या है, कॉन्स्टेंट। क्लियर है जी, समझ में आपको आया एमपीसी क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एमपीसी, अब मेरी बात समझिएगा, एमपीसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको एमपीसी के बारे में कुछ बात कर लूं अलग से, फिर बाद उसको पढ़ लेंगे हम। एमपीसी क्या है, एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला बना डेल्टा सी अपॉन एमपीसी का जो फॉर्मूला बना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि नोमिनेटर आपके पास में, इसको मैं क्या बोलूंगा एज अ नोमिनेटर, इसको क्या बोलूंगा एज अ डिनोमिनेटर, क्लियर है। तो एमपीसी इक्वल्स टू वन रिजल्ट आने का क्या मतलब है, वन आने का रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई होगा, तभी वन रिजल्ट आएगा आपका जब आपका नोमिनेटर और डोमिनेटर इक्वल होगा। इसका मतलब यह है कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई आपका इक्वल होगा तभी। आप बताइए इसका क्या मतलब है कि इनकम में जितना चेंज आया उतना ही चेंज कंजम्पशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आय में, इनकम में जो चेंज आया वो चेंज सारा का सारा कंजम्पशन पर डाल दिया। ऐसा कभी होता नहीं है, हमारे इनकम में जितना चेंज आता है कंजम्पशन में जरूर ट्रांसफर करते हैं, बट
एग्जैक्टली सारा का सारा ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसलिए कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट गलत है। हम ये कह सकते हैं कि एमपीसी इक्वल्स टू वन नहीं होगा, जो जनरली है। ये केंच के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स थे केंच, वो कहते हैं कि इनकम में जो चेंज होता है वो सारा का सारा हमारा कंजम्पशन पे ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए वो कहते हैं कि एमपीसी की वैल्यू कभी वन नहीं हो सकती है। क्लियर है? और यहां पर एमपीसी बेसिकली तो जीरो की अगर मैं बात करूं तो जीरो का मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर का जीरो होना, और डिनोमिनेटर का जीरो होने का मतलब हो गया कि चेंज इन कंजम्पशन के अंदर आपके पास में इनकम के अंदर चेंज जीरो जाना, मतलब इसका ये हुआ कि भैया इनकम में चेंज हुआ ही नहीं फिर भी कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इनकम में चेंज आने के बाद ही कंजम्पशन चेंज होगा, इसलिए जनरली एमपीसी के बारे में एक बात रखी गई है, क्या एमपीसी जीरो से ग्रेटर होता है और वन से छोटा होता है, ये एमपीसी के बारे में ये बात कही गई है। क्लियर है? बात समझे? हमने एपीसी के बारे में जो पढ़ा था ना, वो हमेशा ध्यान रखना, एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। अब क्या कहता है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन द जीरो एंड वन, वी नो इंक्रीमेंटल इन आइदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, इन द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, अगर सारा का सारा बढ़ा हुआ इनकम एडिशनल इनकम कंजम्पशन में डाल देंगे तो सेविंग क्या हुआ, सेविंग में चेंज कितना आया, सेविंग में चेंज जीरो हो गया, देन एमपीसी वन, तब एमपीसी वन होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। However, if entire additional income is saved in consumption, मतलब कि अगर सारा का सारा बचा हुआ आय, जो भी आय बढ़ा है, जो भी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, वो सारा का सारा आप सेविंग में डाल दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन में चेंज ही नहीं आया, तो कंजम्पशन में चेंज नहीं आया तो डेल्टा सी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा सी जीरो होगा तभी तो आपका एमपीसी जीरो होगा। जबकि ऐसा भी केंज कहते हैं, एक इकोनॉमिस्ट है, कि कभी ऐसा नहीं होता है कि जो इनकम में चेंज आया वो सारा का सारा सेविंग में चला जाए और आपके कंजम्पशन में चेंज हो ही ना, तो मतलब कि डेल्टा सी कभी जीरो नहीं हो सकता है, और डेल्टा सी अगर कभी जीरो नहीं हो सकता तो कभी भी रिजल्ट भी जीरो नहीं आ सकता, ये केंज कहते हैं। तो ये वही बात समझाने कह रहा है कि हाउएवर अगर कभी ऐसा हुआ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सारा बढ़ा हुआ इनकम एडिशनल इनकम सेव्ड हो गया, देन डेल्टा सी इक्वल टू जीरो होगा, देन एमपीसी इक्वल टू जीरो होगा। इन अ नॉर्मल सिचुएशन वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन द जीरो एंड वन, बट नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? कि सारी बढ़ी हुई इनकम नहीं तो कंजम्पशन पे चली जाती है जो कि एमपीसी वन होगा, और सारी बढ़ी हुई इनकम नहीं तो सेविंग में चली जाएगी जिससे कि एमपीसी जीरो होगा, जनरली ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? क्लियर है जी? चलिए अब आगे आप यहां देखें, एमपीसी फॉल्स विद द सक्सेसिव इंक्रीजिंग इन इनकम, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एमपीसी आपकी फॉल्स होगी। ये बात आपको समझ में, अच्छा यहां पे पूरा कंटेनर नहीं डाला हुआ है, यहां तो भैया समस्या आ गई। चलिए कोई बात नहीं, कुछ एडिशनल चीजें सीखेंगे हम, कल कंटेंट को ऐड कर देंगे। यार आज की तो दिक्कत समस्या पैदा होगी, आज तो मैं कर रहा था उस दिन इसको ऐड। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जरा एक बात समझिए आप, मैं उसी चीज उसी एग्जांपल को वापस लेता हूं, प्रोपेंसिटी टू सेव की मैं बात करता हूं यहां पर। प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है? तो ये भी दो तरीके की होती है आपकी, एक आपका होगा एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक आपका होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चे समझिएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था हमने, क्लियर है? मतलब कि हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में
वो हमने पढ़ा था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब मैं यहां पर क्या पढ़ा रहा हूं आपको, बचत प्रवृत्ति। क्लियर है? तो बचत प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ये सेव है तो एपीएस बोलेंगे, ठीक है? इसको हम बोलेंगे औसत बचत प्रवृत्ति, और इसको हम बोलेंगे, इसको मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम बोलेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। क्लियर है जी? समझ गए? तो यहां पर मेरे पास में जिस प्रकार से हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक उसी तरीके से अब हमें पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? यहां पर जाहिर सी बात है, हम वहां पर कंजम्पशन को देख रहे थे कि इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पे जा रहा है, उसको हमने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर हम देखेंगे इनकम का कितना पोर्शन, इनकम से कंपेयर करेंगे, इनकम में से देखेंगे इनकम का कितना पोर्शन सेविंग में जा रहा है, यहां पर हम ये देखेंगे। मेरी बात समझे? समझे? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं पीछे ही लेकर के जाता हूं, वहां तक अच्छे समझ पाएंगे आप। यहां पर मैंने यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको एपीएस के बारे में। ये तो एपीसी था ना। अब बताइए इनकम 1000 है, खर्चा मैंने यहां पर कितना कर दिया 800, तो मेरी सेविंग कितनी हुई है बताइए, सेविंग कितनी होगी, सेविंग मेरी कितनी होगी 200। तो यहीं पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अब मैं अपनी सेविंग का, कि मेरी सेविंग जो है मेरी इनकम के रिस्पेक्ट में कितना है, मेरी सेविंग मेरी इनकम के रिस्पेक्ट में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो मतलब कि मैं जो कमा रहा हूं उसका 20% बचत में डाल देता हूं, बचा लेता हूं मैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मैं बचत को देखूंगा, तो इसी को हम बोलते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है? मैं वहीं पर एग्जाम्पल के साथ में लिख देता हूं। देखिएगा, बात करते इनकम की, तो इनकम है 1000, कंजम्पशन कर लिया इसमें से 800, तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग 200। और अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो आपका जो सेविंग है ये आपकी इनकम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, 0.2 टाइम्स है एपीएस। क्लियर है जी? इसको हम एपीएस बोलेंगे। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है मेरे पास में कितना, खैर ये एपीएस हो गया, मेरी बात समझे? और अगर मैं यहां पर एपीसी अगर निकालने, आप कहोगे कि सर एपीसी निकाल के दिखाओ, तो कोई बात नहीं एपीसी भी निकाल लेंगे। एपीसी कैसे निकालोगे, मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम में कितना है, 0.8, मेरी बात समझे? तो एक बात आप समझ जाइए कि आपके पास में पहली चीज आप ये समझिए क्या कि आपका एपीसी प्लस एपीएस दोनों की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? देखो एपीसी क्या आया, 0.8, रेस्ट ऑफ एपीएस कितना है, 0.2, तो क्या आया, 1 आया या नहीं आया बताइए जरा। क्यों भाई? अरे यार इनकम का अगर एक सेगमेंट तक कंजम्पशन पे गया और अगला सेगमेंट मेरा सेविंग पे चला गया, तो अगर मैं कंजम्पशन पे कितना परसेंट गया इनकम का और सेविंग पे कितना परसेंट गया, तो टोटल मेरा 100% ही तो होगा, मतलब टोटल मेरा 1 ही तो होगा, तो इसलिए क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, किसी के तो जा नहीं रही ना। तो कोई भी चीज फ्रैक्शन में कितना होता है, टोटल 1 ही तो होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करता हूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग की, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम मेरे पास में 1000 है, ठीक है, इनकम 1000 है, कंजम्पशन 800 है, सेविंग 200 है, इनकम बढ़ गई 1500 हो गई, और 1500 में से मैं एक काम कर रहा हूं 200 यहां ट्रांसफर कर देता हूं, 1000 रुपये कंजम्पशन, 500 रुपये जो बढ़ा है, और उसमें से 300 मैं सेविंग में डाल रहा हूं, तो 500 सेविंग हो गई। बात समझे? क्लियर है? तो यहां पर मैं एक चीज निकाल रहा हूं, सबसे पहले एक चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं निकालना क्या, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप किस तरीके से एमपीसी निकालोगे,
एमपीसी क्या कहता है कि आप इनकम को छोड़ दो, पहले क्या थी और अभी क्या है, आप बस ये बात करो कि इनकम में चेंज कितना आया, और आप ये बताओ कि उस चेंज इनकम का कितना पोर्शन आपने कंजम्पशन में डाला, इसको कहते हैं हम एमपीसी। तो भाई मतलब कि डेल्टा सी क्या है, मेरे पास स्पेस नहीं है, फॉर्मूला फिर बना देते हैं ना। एमपीसी क्या कहता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो सॉल्व करेंगे डेल्टा सी क्या है मेरे पास में, कंजम्पशन में कितना चेंज आया है 200, वाई कितना है मेरे पास में 500, तो क्या आया 0.4। क्लियर है जी, बात समझे। अब बात करते हैं हम यहां पर किसके, एमपीएस, ठीक है। और एमपीएस में बात करूं मैं तो क्या है मेरे पास में, एमपीएस कैसे निकालेंगे इसी तरीके से कि जो मेरे इनकम में चेंज आया ना, उस चेंज का कितना पोर्शन मेरी सेविंग में चला गया, सेविंग में जो चेंज आया है वो मेरे इनकम में चेंज का कितना पोर्शन है, तो यहां पर इसी को ऐसे निकालेंगे, सेविंग है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस, तो सेविंग कितना है मेरे पास में 300, और डेल्टा वाई कितना है मेरे पास में 500, तो कितना है 0.6 आया। क्लियर है जी, ये बात आपको समझ में आई, तो ये क्या है मेरे पास में 0.6। अब यहां पर भी आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो, क्या कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो देख लो आप एमपीसी क्या आया था आपका 0.4 और ये क्या था 0.6, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बात समझे या नहीं समझे। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को, पहले आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछे। डन, एमपीसी और एमपीएस सर फिर से बता दो। एमपीसी बच्चे क्या होता है, जो मेरे इनकम में चेंज आया, उस इनकम में चेंज का, मेरे इनकम का नहीं, मेरे ओरिजिनल इनकम का नहीं, मेरे न्यू इनकम का नहीं, जो चेंज आया उसका कितना पोर्शन कंजम्पशन पे गया, कंजम्पशन पे, ये होता है एमपीसी। और एमपीएस क्या होता है, जो मेरे इनकम में चेंज आया उसमें से कितना पोर्शन मेरी सेविंग में चला गया, इसे बोलते हैं एमपीएस, समझ गए। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लेंगे आप इस चीज को। तो अब आपको यहां पर बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे कि भैया इनकम में इतना चेंज आया था और उसका 20% चला गया हमारे कंजम्पशन पे, अब लिखना भी आपको आना चाहिए, चेंज इन इनकम का 20% कहां चला गया, चेंज इन इनकम का 20% कहां चला गया, कंजम्पशन पे। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है कि चेंज इन इनकम बीस में चला गया, तो 20% को फ्रैक्शन में अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा, है ना। 20% को 0.2 बोलते हैं। तो मेरे इनकम में जो भी चेंज आया उसका 0.2 कंजम्पशन में चला गया, तो चेंज इन इनकम में ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप एमपीसी बोलोगे। बात समझे या नहीं समझे। या फिर बोले कि मेरे इनकम में जो चेंज आया उसका 0.5 टाइम्स कंजम्पशन पे डाल दिया मैंने, कंजम्पशन में चेंज आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 क्या है आपका, एमपीसी है। तो आपको वहां पे वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको चीजें समझ में अगर आएंगी तभी आप कैच कर पाओगे, इनको लिख पाओगे, देन आप उसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे, चाहे वो मल्टीप्लायर फाइंड करना हो आपको, चाहे आपके अलावा कुछ और फाइंड करना हो। क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को बताइए, कोई डाउट। तो एक चीज समझ में आपको क्या आया, मेनली एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या है, 1। क्लियर है। अब इसी तरीके से एमपीएस निकालना हो तो 1 में से आप एमपीसी की वैल्यू निकाल माइनस कर देंगे, 1 में से किसी भी एक को माइनस करेंगे दूसरा निकल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पता है कि मेरा एमपीसी 0.6 है तो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अपना एमपीएस पता है वो 0.4 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से अगर आप किसी एक को माइनस कर दोगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आपने 1 में से एमपीएस माइनस कर दिया तो आपके हाथ में क्या लग जाएगा, आपके हाथ में एमपीसी आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, न्यूमेरिकल में चीजें काम आएंगी। क्लियर है, कोई डाउट बच्चे, डाउट है तो भैया जरूर पूछे, देख लो एक बार, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है, कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को, देख लीजिए। क्लियर है, तो ये कह रहा हूं कि इनकम में जो चेंज आया उसका 0.5 टाइम्स कंजम्पशन में चेंज आ गया, तो मतलब कि इनकम में चेंज आ कंजम्पशन में चेंज आ गया, तो 0.5 क्या मेरा एमपीसी है। तो आइए थोड़ा एपीएस के बारे में समझ लीजिए क्या होता है, रिपीट कर देता हूं, एपीएस इक्वल्स टू क्या हुआ, एस अपॉन वाई, कि जो मेरी सेविंग है इनकम का कितना टाइम्स है। ठीक है, ये मेरा नोमिनेटर है और ये मेरा क्या है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। मेरा सवाल है कि क्या एपीएस 0 हो सकता है। क्लियर है, मेरा सवाल ये है कि क्या आपका एपीएस सबसे पहले ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बताइए। एपीएस 1 हो सकता है, इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब, 1 का मतलब ये हुआ कि आपका जब 1 जब आता है, जब आपका नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेविंग आपके जो है किससे, इनकम से ज्यादा हो, कभी भी नहीं हो सकता है। मैं 10,000 कमा रहा हूं तो 15,000 कहां से बचा लूंगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। अगर आपको याद तो देखो होगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपसे पूछा जाएगा ना क्या ऐसा है, तो आप इसका लिखो कि इसका मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब ये, तो सोचो कि ऐसा होगा, नहीं होगा, तो आपका ये रॉन्ग हो गया, गलत है। क्या आपका एपीएस, क्या आपका एपीएस कभी भी 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होगा तभी होगा, मतलब कि सेविंग इक्वल्स टू क्या हो गया, इनकम। तो मतलब जो भी कमाया सारा बचा लिया, खाया कुछ भी नहीं, बात समझे। तो ऐसा भी पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रॉन्ग है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि आपका एपीएस जो है ऑलवेज 1 से छोटा होगा। माइनस में हो सकता है क्या, बिल्कुल माइनस में हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। ये क्यों हो सकता है वो जरा देखिएगा, नेगेटिव का मतलब होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनमें से कोई भी क्या हो, नेगेटिव हो। और आपको पता है कि सेविंग आपकी नेगेटिव हो सकती है जब आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया हो,
इनकम जीरो हो, कहीं से उधार ला के खा रहे हो तो मतलब सेविंग नेगेटिव है, या पुरानी बचत में से खा रहे हो तो मतलब सेविंग नेगेटिव है। क्लियर है? तो अगर आप पुरानी सेविंग को भी यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे आपकी सेविंग नेगेटिव जा गई है। अब किसी से उधार मांगते हो तो इसका भी मतलब ये होता है कि सेविंग आपकी नेगेटिव है। तो ये वन से लेस नेगेटिव तक ये आपका हो सकता है, जीरो बिल्कुल आपके पास में हो सकता है। तो क्या एपीएस जीरो हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा। तो जीरो का क्लियर है जी, बात समझ में आपको आई? तो कंक्लूड कर दूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा, एपीसी ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है, और एपीएस ऑलवेज एपीसी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और एपीएस सेविंग की बात करूं अगर मैं तो हमेशा एक से छोटा होगा। ठीक है, बात करते हैं हम एमपीसी, तो जीरो से बड़ा एक से छोटा। बात करते हैं हम एमपीएस, सेम जीरो से बड़ा एक से छोटा। क्लियर है जी? क्योंकि जीरो होने का मतलब ये हो गया कि जितना भी मेरी इनकम बढ़ी थी सारा मैं सेविंग में ले गया, मैंने कंजम्पशन में कुछ चेंज ही नहीं करा, तभी मेरा जीरो होगा ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसके जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जितनी मेरी इनकम बढ़ी सारा मैं खा गया, सेविंग में मैंने कुछ चेंज ही नहीं करा। तो यहाँ पे जीरो का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में डेल्टा एस जीरो है, सेविंग में चेंज जीरो है मेरे पास। रिपीट कर देता हूं, एमपीसी के जीरो होने का ये मतलब हुआ कि मेरा जो है डेल्टा सी जीरो है, और डेल्टा सी जीरो होने का मतलब ये हुआ कि मेरे कंजम्पशन में कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब मेरे इनकम में जो चेंज आया सारा का सारा मैंने सेविंग में डाल दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए डेल्टा सी कभी जीरो नहीं होगा और ये कभी जीरो नहीं होगा। वन का मतलब ये होता है कि जितनी मेरी इनकम में चेंज आया सारा, वन तो तब आएगा ना जब मेरा इनकम में चेंज और मेरे कंजम्पशन में चेंज इक्वल हो, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर हो। तो जितने मेरे इनकम में चेंज आया उतना ही कंजम्पशन में चेंज आ गया, मतलब कि मैंने सेविंग कुछ करी ही नहीं चेंज में से, ये भी नहीं होता। इसलिए इसकी वैल्यू दोनों के बीच में होती है। और एमपीएस जीरो होने का मतलब ये हो गया ना कि डेल्टा एस आपका जीरो है। डेल्टा एस जीरो मतलब कि सेविंग में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, मतलब इनकम में चेंज आया तो आपके सेविंग में चेंज नहीं आया, सारा आपने खा लिया, ऐसा भी नहीं होता है। मेरी बात समझिएगा, क्लियर है? इसलिए आप मोटा मोटा ये बात ध्यान रखेंगे, एपीसी के बारे में जीरो से हमेशा ग्रेटर मिलेगा, एपीएस के बारे में वन से लेस कहीं भी चला जाएगा, जीरो से ऊपर कहीं भी चला जाएगा, दोनों जीरो वन के बिटवीन रहते हैं। बिल्कुल, आप जो है इसको, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आ रही है, क्लियर है जी? तो आपने अभी तक क्या समझा, अभी तक आपने इस रिलेशंस को अच्छे से यहां पर समझ लिया, उम्मीद करता हूं। क्लियर है?